नमस्कार जी सभी को। शुरू करते हैं आज का क्लास। आज के इस वीडियो में आपको सिखाने वाला हूं भारतीय संगीत के 10 थाट। ठीक है जी। दुनिया के जितने भी गाने हैं, जितने भी भजन हैं, जितने भी गजल हैं, जितने भी भजन हैं, सब कुछ आपका इन 10 थाटों के ऊपर ही चलता है। ठीक है जी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला थाट है हमारा बिलावल थाट। उसके बाद अपना है कल्याण थाट। उसके बाद खमाज थाट। उसके बाद काफी थाट। काफी के बाद आपका आसावरी थाट। आसावरी के बाद भैरवी थाट। भैरवी के बाद आपका आएगा भैरव थाट। भैरव के बाद आएगा मारवा थाट। मारवा के बाद आएगा पूर्वी थाट। और लास्ट में आपका आएगा तोरी थाट। इसी सीक्वेंस से आपको याद करना है, इसी सीक्वेंस से आपको ये सारे थाट आपको समझने हैं। ठीक है जी। ये पहला स्टेप, आप सारे नेम आप लिख सकते हैं। ठीक है जी। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। अभी मैं आपको वो तरीका बताने वाला हूँ कि 10 थाट आपको कैसे याद रहेंगे, मतलब कि आपके दिमाग में एकदम फिक्स हो जाएंगे ये 10 के 10 थाट, आपको भूलेंगे नहीं। तो सबसे पहले मैं, कौन सा ऐसा थाट है जिसमें सारे स्वर शुद्ध हैं? ठीक है, कौन सा एक ऐसा थाट है जिसमें सारे स्वर शुद्ध हैं? तो एक ही ऐसा थाट है जिसमें सारे स्वर शुद्ध हैं, वो है बिलावल थाट। ठीक है जी। दुनिया का ये एक इकलौता थाट है जिसमें सारे स्वर शुद्ध है। इसका आरोह देख लीजिए, सा रे गा मा पा धा नी और ता सब तक का सब। और ये इसका आरोह है सा नी धा पा मा गा रे सा। ये एक ऐसा थाट है जिसमें सारे स्वर शुद्ध है। बस सिंपल आप याद कर लीजिए, कौन सा ऐसा थाट है जिसमें सारे स्वर शुद्ध है, वो है बिलावल थाट। देन उसके बाद चलते हैं, कौन सा ऐसा थाट है जिसमें एक स्वर का बदलाव है? ठीक है जी। कौन से ऐसे थाट है जिसमें एक, सिर्फ एक ही स्वर चेंज है? तो एक है हमारा कल्याण थाट, जिसमें हमारा एक स्वर चेंज है। तो देखिए कौन सा स्वर चेंज है, इसमें क्या चेंज है, इसमें शुद्ध माँ की जगह तीव्र माँ यूज होगा, एक ही स्वर का बदलाव है। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं सा रे शुद्ध गा तीव्र माँ पा धा नी और तार सप्तक का सा। और अभी इसका अवरोह, ठीक है जी। तो आप देख रहे हैं यहां पे सिर्फ एक ही स्वर बदला गया है। आप देखो बिलावल में सारे स्वर शुद्ध थे, तो इसमें सिर्फ एक ही स्वर का बदलाव किया, हम शुद्ध माँ की जगह तीव्र माँ का यूज करेंगे। ये एक ऐसा ही थाट है जिसमें एक ही स्वर का बदलाव है। उसके बाद एक और ऐसा थाट है जिसमें हमारा एक स्वर का बदलाव है, उसे हम बोलते हैं खमाज थाट। खमाज थाट, तो इसमें कौन सा स्वर का बदलाव है? इसमें हम शुद्ध नी की जगह कोमल नी यूज करेंगे। फिर से देख लीजिए, शुद्ध नी की जगह कोमल नी का यूज होगा। अब इसका अवरोह आरोह देख लीजिए, सा शुद्ध रे शुद्ध गा शुद्ध मा फिर पा फिर धा फिर कोमल नी है और उसके बाद तार सप्तक का सा है। देन इसका अवरोह सा कोमल नी धा पा मा गा रे और सा। ठीक है, तो ये दो ऐसे थाट हैं जिसमें एक ही स्वर का बदलाव है। तो ये एक ही ऐसा थाट है जिसमें सारे स्वर शुद्ध हैं। तो आप इस तरीके से याद कर सकते हैं, अपने दिमाग में बिठा सकते हैं इन बातों। ठीक है जी, बड़ा सिंपल है, कुछ नहीं है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, एक ही ऐसा थाट है जिसमें सारे स्वर शुद्ध है, वो है बिलावल थाट, बस इतना याद कर लीजिए। उसके बाद दो ही ऐसे थाट है जिनमें एक एक स्वर का बदलाव, कल्याण में मातिवर यूज होता है और खमाज में नी कोमल यूज होता है।
ठीक है जी, कोमल, और यहाँ पे मा तीव्र है, ठीक है जी, बस इतनी सी चीज याद करनी है आपको। अभी आगे चलते हैं, उसके बाद कौन से ऐसे थाट है जिसमें दो स्वरों का बदलाव किया गया, दो स्वरों का। तो हमारे पास चौथा थाट है जिसे, अभी तीन तो हमने ऑलरेडी लिख लिए हैं, अभी चौथा उसके बाद आएगा भैरव थाट। ये एक ऐसा थाट है जिसमें दो स्वरों का बदलाव हुआ है, पहला स्वर है कोमल रे, दूसरा है कोमल धा, यानी कि कोमल रे और कोमल धा यूज होगा, बाकी सारे स्वर शुद्ध रहेंगे, यानी कि सा शुद्ध रे की जगह कोमल रे, फिर शुद्ध गा, फिर मा, उसके बाद पा, फिर कोमल धा, फिर शुद्ध नी, और फिर तार सप्तक का सा। सेम एज इट इज, इसका अवरोह देख लीजिए, सा शुद्ध नी कोमल धा पा मा गा कोमल रे और तार सप्तक का सा, ठीक है। देन उसके बाद पांचवा था, अगला थाट है काफी थाट। ये भी एक ऐसा थाट है जिसमें दो ही स्वर बदले गए, एक तो कोमल गा यूज होगा, एक होगा अपना कोमल नी यूज होगा, बाकी सारे स्वर शुद्ध है इसमें। सा शुद्ध रे कोमल गा शुद्ध मा पा शुद्ध धा फिर कोमल नी और फिर तार सप्तक का सा। सेम एज इट इज, उल्टा कर देंगे, सा कोमल नी धा फिर पा फिर मा फिर कोमल गा फिर शुद्ध रे और ता सा, ठीक है जी। देन उसके बाद छठा थाट आएगा अपना मारवा थाट। ये भी एक ऐसा थाट है जिसमें दो स्वरों का बदलाव है, एक तो होगा इसमें कोमल रे यूज, दूसरा होगा इसमें तिवर मा यूज, ठीक है जी। अभी देखिए, सा कोमल रे शुद्ध गा तिवर मा फिर पा शुद्ध धा शुद्ध नी और तार सप्तक का सा, फिर अवरोह सा शुद्ध नी शुद्ध धा पा तिवर मा शुद्ध गा कोमल रे और सा, ठीक है। ये तीन ऐसे थाट है जिसमें दो स्वरों का चेंज है, ठीक है, दो स्वरों का चेंज है, ये तीन ही ऐसे थाट है, ठीक है। कितना इजी होगा याद करना, कितना इजी हो गया आपको समझना, है ना। अभी देखो छह थाट हो गए अपने ऑलरेडी, अभी आगे चलते। उसके बाद अभी दो स्वर हो गए, पहले था एक स्वर फिर दो हो गए, अभी तीन देखेंगे कौन से ऐसे थाट है जिसमें तीन स्वर चेंज हुए हैं, ठीक है जी। पहला आएगा अपना आसावरी थाट, आसावरी, ठीक है जी। इसमें कौन से स्वर चेंज हुए हैं, एक तो गा कोमल लगेगा, एक धा कोमल लगेगा और एक नी कोमल लगेगा, और आरोह आएगा सा शुद्ध रे कोमल गा मा फिर पा फिर कोमल धा फिर कोमल नी और फिर तार सप्तक का सा। अभी अवरोह देखेंगे, सा कोमल नी कोमल धा पा मा कोमल गा रे सा, ठीक है जी। देन अगला थाट है पूर्वी थाट, इसमें भी तीन स्वर चेंज होंगे, एक तो कोमल रे यूज होगा, एक मा तीव्र यूज होगा और एक कोमल धा भी यूज होगा, ठीक है जी। इसका आरोह देखिए, सा कोमल रे शुद्ध गा तीव्र मा फिर पा फिर कोमल धा फिर शुद्ध नी और फिर तार सप्तक का सा। अभी अवरोह, ठीक है जी। तो ये ऐसे दो थाट है, ठीक है जी, जिनमें तीन स्वर चेंज है, ओके जी। ये भी हो गया इजी था, अभी आगे चलते हैं। इसके बाद बचे दो था जिनमें चार स्वर चेंज है, पहला आएगा भैरवी था,
इसमें चार स्वर कौन से? तो कोमल रे यूज होगा, एक कोमल गा, कोमल धा और कोमल नी, यानी कि सा, कोमल रे, कोमल गा, मा, पा, कोमल धा, फिर कोमल नी और फिर ता स्वर तक का। फिर उल्टा कर दीजिए, सा, कोमल नी, कोमल धा, पा, फिर माँ, फिर कोमल गा, फिर कोमल रे और सा, सा। ठीक है जी। और आखिरी थाट बचा हमारे पास, वो है तोड़ी थाट। ठीक है जी। इसमें भी चार स्वर चेंज होंगे, एक तो कोमल रे यूज होगा, कोमल गा यूज होगा, तीव्र मा यूज होगा और कोमल धा यूज। सा, कोमल रे, कोमल गा, तीव्र मा, पा, कोमल धा, शुद्ध नी और ता शब्द का सा, सेम एज इट इज। इसका अवरोह सा, नी, कोमल धा, पा, तीव्र मा, कोमल गा, कोमल रे और सा। ठीक है। तो ये दो ऐसे थाट हैं जिनमें चार स्वरों का चेंज है। ठीक है जी। कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन यहां तक तो पूछिए। हाँ जी उत्तम जी, आप करिए सर अनम्यूट। जी सर बोलिए। सर, ये जो था 10 थाट आपने बताया अभी, हाँ हाँ वो दूसरा शिवरंजनी मालकंस, वो भी आता है ना, वो राग है क्या वो? वो राग है सर जी, वो ये भी राग है, राग भैरवी है, राग तोड़ी है, ये खुद ब खुद राग भी है। ठीक ओके है। मैं आपको एक सिंपल सा राग और थाट में डिफरेंस देता हूँ कि राग और थाट में फर्क क्या होता है। देखो राग और थाट में फर्क क्या है, थाट है ना वो आपका एक पेड़ है, ठीक है, और जो राग है ना वो आपकी पेड़ की जड़ें हैं, ओके बस ये चीज है। मतलब कि एक पेड़ है तो उसमें कितनी भी जड़ें हो सकती हैं, है ना, 100 भी हो सकती हैं, 200 भी हो सकती हैं, 500 भी हो सकती हैं और इवन लाख जड़ें भी हो सकती हैं। तो सेम ये वही चीज डिफाइन कर रहा हूँ कि एक थाट के अंदर आपके बहुत सारे राग हो सकते हैं, उसमें 10 राग भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं, 500 भी हो सकते हैं, 1000 भी हो सकते हैं। ओके ओके सर, समझ पेड़ गया, तो एक ही रहेगा ना, पेड़ तो ये नहीं कि पेड़ बराबर। पेड़ दो हो जाएंगे और उसकी जड़ें भी दो हो जाएंगी, है ना, ऐसा नहीं होता ना। एक पेड़ की अलग जड़ें, बहुत सारी जड़ें हो सकती हैं। तो सिंपली ये डिफरेंस आप कर सकते हो। सिंपल अगर मैं समझाने की कोशिश करूँ राग और थाट में डिफरेंस क्या है।